फिर से अफ्रीकी देश नाइजीरिया में 317 स्कूली बच्चों का अपहरण। मैं इब्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। अफ्रीका के देशों में स्थित नाइजीरिया नामक देश, जिसमें पिछले कई सालों से घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जैसे कि लूटमार, हत्या, अपहरण, अक्सर इन सब वारदातों का सिलसिला कहीं न कहीं सुनने में और देखने में आता रहता है। इसी प्रकार से बीते दिसंबर 2020 महीने से अब तक फरवरी 2021 तक तीन बड़े बड़े अपहरण के मामले प्रकाश में आए हैं। गत दिसंबर में कात्सीना प्रांत में 344 स्कूली छात्राओं को आतंकवादियों द्वारा अपहरण किया गया था, बाद में उन्हें फिर 6 दिनों के भीतर छोड़ भी दिया गया। ऐसे ही पिछले सप्ताह 27 छात्रों समेत 42 लोगों को अगवा कर लिया गया था, परंतु इन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि नाइजीरिया सरकार ने इन आतंकवादियों की बातों को नहीं माना, इन्हें फिरौती देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण शुक्रवार 26 फरवरी के रोज केवल एक सप्ताह के भीतर फिर से नाइजीरिया में स्कूली बच्चों के अपहरण की वारदात सामने आई है। पश्चिमी नाइजीरिया के जंगेबे कस्बे में स्थित सरकारी गर्ल्स साइंस सेकेंडरी स्कूल से 317 स्कूली छात्राओं का अपहरण कर लिया गया है एक सप्ताह के भीतर। फिर से इन 317 स्कूली लड़कियों का अपहरण नाइजीरिया की सरकार पर दबाव बनाने और फिरौती वसूलने के लिए ये तुरंत आतंकवादियों द्वारा अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। नाइजीरियन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों और हथियार से लैस आतंकियों ने जंगेबे कस्बे की सरकारी स्कूल से 317 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। इनको बचाने के लिए जामफ्रा प्रांत की पुलिस सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चला रही है। अधिकारियों ने बताया कि नाइजीरिया देश में बच्चों के अपहरण की वारदातें बढ़ते जा रही है और ये सब नाइजीरियन सरकार से फिरौती और मोटी रकम वसूलने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सरकार इस प्रकार के मामलों के लिए फिरौती की रकम से इनकार कर रही है। जामफ्रा के सूचना आयुक्त सुलेमान तनाव अंका ने बताया कि स्कूल पर धावा बोलने के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और छात्राओं को वाहनों में भरकर ले गए। अभी इस मामले में किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ज्यादा जानकारी के अनुसार पश्चिमोत्तर नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम का दबदबा अच्छा खासा माना जाता है। अपहरण के इन मामलों ने पूरी दुनिया को सचेत कर दिया है। नाइजीरिया देश के हर शहर में इन अपहरण की वारदातों पर जोरदार विरोध किया जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। अब नाइजीरियन सरकार अपहरण किए गए इन स्कूली बच्चों और अन्य लोगों के लिए क्या रणनीति बनाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सारे अगवा किए गए बच्चे और अन्य लोगों की कब वापसी होती है और क्या वो जीवित वापस आते हैं या उनके शव पुलिस और सेना को मिलते हैं। अब तो सब नाइजीरियन सरकार पर निर्भर है कि वो आतंकवादियों को फिरौती देती है या आतंकवादियों को मार गिराती है। ये थी अफ्रीका देशों में स्थित नाइजीरिया नामक देश में अपहरण किए गए बच्चों और लोगों पर विस्तार से जानकारी। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।